अस्सलाम वालेकुम भाई, आज हम लोग आए हैं डाउनटाउन 30th of December कुछ देखने के लिए, और वो ही था अरेंजमेंट कि किस तरीके से 31st की नाइट को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। खैर वैसे ओवरऑल यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं सब बुक है, 78% कैपेसिटी होटल बुक है, और जो अरेंजमेंट आम लोगों के लिए की है जो कि रोड पे खड़े होके देखेंगे नज़ारे बुर्ज खलीफा के, जो कि कुछ ऐसे होने वाले हैं। ये रोड से व्यू नज़र आएगा आपको, प्री प्रिपरेशन चल रही है। ये जो मेरे साथ में आपको कुर्सियां नज़र आ रही हैं ना, ये सारी अरेंजमेंट 1500 दिरहम पर पर्सन है, उसमें खाना इंक्लूड है, ड्रिंक इंक्लूड है, शीशा इंक्लूड है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरी बस हो गई। खैर एनीवे, हम आम पब्लिक की तरह जो है वो रोड पे खड़े होंगे, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से अरेंजमेंट मुझे नज़र आ रही है ना, वो बड़ी कोई ख़तरनाक और सॉलिड किस्म की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, एक हफ्ते से ये प्रिपरेशन चल रही है। ये तो खाली एक सिर्फ झलक है, स्क्वायर बॉक्सेस जो बने हैं ना स्टिकर, ये स्टिकर सब लोगों के खड़े होने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सारे स्टिकर्स लगा दिए, जो कि फ्री है। आप यहाँ पे आके खड़े होके बुर्ज खलीफा का शो देख सकते हैं, और ये रहा हमारा बुर्ज खलीफा। थोड़ी सी जो है वो आपको हम बाहर की मेन रोड की पिक्चर्स और वीडियोस दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। जस्ट वन डे बिफोर न्यू ईयर, ये देखें तमाम वॉकवेज, और मैं एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हम जा रहे हैं डाउनटाउन की रोड पे, जो दुबई ने अरेंज किया है उसके कुछ झलकें और सीन्स ऐसे हैं। ये देखें जनाब, पूरी रोड, ये रोड कहलाती है शेख राशिद बुलेवार्ड डाउनटाउन दुबई। पूरी रोड के ऊपर इन्होंने ये स्टिकर छाप दिए हैं, जो कि मेरे ख्याल में शायद तीन चार तो नहीं, कम से कम 10 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर की रोड पे स्टिकर छाप दिए हैं पैदल आने वालों के लिए, टैक्सी पे आने वालों के लिए, या मेट्रो यूज़ करके आने वालों के लिए। क्योंकि जो लोग बुकिंग नहीं कर रहे हैं, होटल रिजर्वेशन है या रेस्टोरेंट्स की रिजर्वेशन है, उनके लिए तो चलो ओके है, बिकॉज उन लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ईज़ रहेगी। बट जो अपनी कन्वेंस पे आने वाले हैं, या टैक्सी मेट्रो बस वगैरह यूज़ करने वाले हैं, उनके लिए जो अरेंजमेंट थी वो बड़ी सुपर्ब किस्म की है, बहुत ही आला किया। मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। अच्छा वैसे मास्क मैं हटा नहीं सकता, वो इस वजह से क्योंकि काफ़ी सारे गार्ड्स और सिक्योरिटी वाले हैं जो कि बार बार आके बोल रहे हैं भाई प्लीज़ मास्क ऊपर कर लें, मास्क ऊपर कर लें। सो बेयर विद मी। ओहो ये भी आए, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा बाय द वे एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो ईमार सेल सेंटर वाला आपको दिख रहा है ना बोर्ड, P1, इसी तरह से P2 भी है, P3 भी है, पार्किंग है जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, ये पार्किंग के सारे सीन है। एंड देन अभी इन लोगों ने लेटेस्ट बिल्डिंग बनाई है विच इज़ कॉल्ड जबील पार्किंग समथिंग लाइक दैट, उसके अंदर पार्किंग की गुंजाइश है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है जो कि कार पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ शो लगा हुआ है, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा ये सीन है। वे
विन डीजल भी आया हुआ भाई। ये है जनाब मेडिकल कैंप्स, लॉस एंड फाउंड, फर्स्ट एड। मेरे ख्याल में शायद 3-4 इन्होंने बनाए हैं इस पूरे बुलेवार्ड की रोड पे। उसके अलावा रेस्ट रूम की, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ भी हैं। एंड देन पूरी सराउंडिंग के अंदर ट्रकर्स आएंगे यहाँ पे, ताकि खाने पीने का आपको कोई मसला ना हो। ये देखें, ये सारे बैरिकेड्स जो है ना अरेंज हो रहे हैं, टीम काम कर रही है, लगे हुए बेचारे। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, नहीं बल्कि सॉरी 11:15 हो गए। वैसे इस अरेंजमेंट का एक फ़ायदा ये है कि लोग जो है वो ज़्यादा धक्का मेल नहीं करेंगे, और प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे जो है वो कहीं भागेंगे नहीं। पूरी रोड जो है वो ब्लॉक कर दी है इन लोगों ने, इन बैरिकेड्स के साथ। ये देखें, बाकी वैसे आपको कुछ दिखाऊं कि ये देखें रेस्टोरेंट की हालत, रात के 11 बज रहे हैं, खचा खच भरा हुआ है। सेम केस गोज़ विद दिस रेस्टोरेंट, ये भी फुल पैक है। और भी जितने रेस्टोरेंट्स मैंने अभी तक देखे हैं वो सारे रेस्टोरेंट्स जो है ना तकरीबन फुल चल रहे हैं। बट हैट्स ऑफ दुबई ने, दुबई गवर्नमेंट और तमाम वो इदारे जिन्होंने ये अरेंजमेंट किए, बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट किए। वैसे कल जो है ये सारी रोड ब्लॉक होगी, यहाँ पे कोई गाड़ियों का एक्सेस नहीं होगा। वो इस वजह से क्योंकि गाड़ियाँ सारी दूर पार्क करके और फिर आप लोगों को पैदल आना होगा, जो कि हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे। और वैसे एक चीज़ और देख लेते हैं कि बच्चों का स्ट्रॉलर जो है वो इसके अंदर आता है कि नहीं आता, लेट्स सी। अरे पूरा नाप के बनाया है, बच्चों का स्ट्रॉलर पूरा फिट आया, गुड, सही काम हो गया ये है।